यूपी के शहर में हुआ कमाल। 16-16 साल की दो लड़कियां बन गईं एसडीएम और सीओ। कार्यालय पहुंची तो चौंक गए फरियादी। तहसीलदार से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर को दिया आदेश, दिखाई तेज तर्रार तेवर। एक दिन में ही फरियादी करने लगे तारीफ। नन्ही अधिकारियों का जलवा देखकर आप भी ठोकेंगे सलाम। गरीब पिता बोले, बेटी ने मेरा मान बढ़ा दिया। देखिए कौन है ये दो बेटी जिनको मिला इतना बड़ा मौका। बड़े होकर अपने सपनों को लगाएंगी चार चांद। यूपी के हाथरस का ये नजारा देखिए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में जैसे ही फरियादी पहुंचे तो फिर उन्हें कुर्सी पर 16 साल की ये लड़की बैठी हुई दिखाई दी। सामने से तमाम अधिकारी उसे सलाम ठोक रहे थे। पहले तो जनता समझ नहीं पाई, लेकिन जब बताया गया कि यही आपकी नई एसडीएम साहिबा है, तो फिर सबने एक एक करके अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और तुरंत हर समस्या का समाधान भी हासिल किया। इधर घर पर मौजूद पिता को पता तक नहीं था कि उनकी बेटी एसडीएम बन गई है। तहसील से किसी ने फोन करके बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। भागते भागते खुद आ गए। खुद अपनी आंखों से जब बेटी को देखा तो खुशी के आंसू टपक पड़े। बोले, बेटी आज तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। दरअसल हाथरस की रहने वाली इस छात्रा अनमोल बुंदेल को 2 घंटे के लिए एसडीएम का कार्यभार सौंपा गया था। इस दौरान उसने अपनी तेजतर्रार कार्यशैली से सभी को गौरवान्वित कर दिया। पूरी निष्ठा के साथ अपना उत्तरदायित्व तो संभाला। साथ ही दूसरी छात्रा गुंजन को सीओ का चार्ज सौंपा गया। उसने भी कुर्सी संभालते ही मारपीट के एक केस का तुरंत समाधान किया। सबसे पहले दोनों पक्षों के प्रतिवेदन का अवलोकन किया और जांच कराने के बाद उप निरीक्षक को आदेशित किया। हाथरस के सादाबाद में स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित नारी शक्ति मिशन के बाद 2 छात्राओं को पुलिस प्रशासनिक कार्यभार संभालने का मौका दिया गया था। दोनों छात्राओं ने 2-2 घंटे के लिए एसडीएम और सीओ की कुर्सी संभाली। अनमोल बुंदेल ने एसडीएम का कार्यभार संभालते ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से तमाम बातें पूछी। कार्यभार को संभालने के बाद उन्होंने तहसील के काम करने की प्रक्रिया को भी समझा। अधिकारियों से प्रश्न पूछे और उनके जवाबों को सुनकर अपना ज्ञान वर्धन भी किया। एसडीएम बनी अनमोल ने चकबंदी, भूमि अधिग्रहण, आपसी मारपीट, जन्मतिथि परिवर्तन, मृत्यु प्रमाण जारी करने संबंधी शिकायती पत्रों को देखा और निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान खुद एसडीएम संजय कुमार अनमोल के सेक्रेटरी की भूमिका में नजर आए। वहीं सीओ बनी गुंजन ने मारपीट के एक केस का त्वरित समाधान किया। उन्होंने सबसे पहले दोनों पक्षों के प्रतिवेदन को देखा और जांच करने के लिए उप निरीक्षक को आदेशित किया। गुंजन को पुलिस से संबंधित और उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी पहले से थी। इसी के तहत उन्होंने तुरंत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जांच के आदेश उप निरीक्षक को दिए थे। इस दौरान सीओ गोपाल सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश शर्मा ने गुंजन के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।